हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस सो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस देखेंगे एक तो है सम ऑफ पावर ऑफ डिजिट्स और एक है सम ऑफ डिजिट्स इन अ साइक्लिक ऑर्डर सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so उसको देखने से पहले अन अकेडमी के अनअकेडमी uh, के एक इनिशिएटिव के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ मैं आपको सो आर यू अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल हु इज़ लुकिंग फॉर अ ग्रेट करियर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट देन देन यू हैव टू थिंक अबाउट एक्सपेक्ट्स लाइक व्हाट्स ट्रेंडिंग क्या ट्रेंड कर रहा है इंडस्ट्री के अंदर एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन देट आर बीन आस्क इन इंटरव्यूज वट्स द थाट प्रोसेस बिहाइंड आर्किटेक्चर ऑफ ग्रेट एप्लीकेशन लाइक गूगल अमेजन एंड जोमेटो ओला और हाउ टू इम्प्रूव योर कोड शेफ रैंकिंग तो ये सारे जो पार्ट्स हैं आपको यहाँ पे कवर होंगे अन अकेडमी में क्रैक कर सकते हो आप टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन को बिग टेक ब्रांड्स को ज्वाइन कर सकते हो अपना कोर्ट शेफ़ का प्रोफाइल इंप्रूव कर सकते हो इंटरव्यूअर्स आपसे इंटरव्यूज़ के बारे में बात करेंगे ब्रेक डाउन होगा आर्किटेक्चर का और पूरा का पूरा हायरिंग प्रोसेस आप यहाँ पर समझ सकते हो सो so, आपको मैं दिखा देता हूँ कि अन अकेडमी का जो यहाँ पे हमारे पास करियर एज ए सॉफ्टवेयर का करियर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो पूरा का इनका कोर्स है उस उसमें किस तरह से काम होता है तो जो होस्ट है सो तो जो आवर होस्ट है दे आर वर्किंग विद सम ऑफ द टॉप कंपनीज लाइक गूगल अमेजन टू नेम अ फ्यू दे आर सेवन स्टाफ सेवन स्टार कोडर्स ऑन कोड शेफ एंड आर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ठीक है जैसे कि कुछ यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब क्या है आपके बहुत अच्छे इनकी रैंकिंग है कोड शेफ के ऊपर दे आर वर्किंग इन अ टॉप कंपनीज लाइक गूगल अमेजन टू नेम अ फ्यू They will walk you through their own industry experience and interact with a lot of guests like HR and industry leaders of टॉप कंपनीज एंड दे विल आस क्वेश्चन रेस बाय यू तो जैसे कि अगर हम कोई एक देखते हैं यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक कोर्स uh, देख रहे हैं बाय सौरभ शर्मा जिसमें कि गेटिंग स्टार्टेड विद ब्लॉक चेन एंड क्रिप्टो है सो इन द लाइव एपिसोड्स ऑफ ऑल दिस कोर्सेज जो कि रन हो रहे हैं ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं इन द लाइव एपिसोड्स यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आस द टेक एच आर अबाउट टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन इंडस्ट्री लीडर्स डायरेक्टली अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन स्टार्टअप इन एम एन सी वट इस द एलिजिबिलिटी एंड इवन यू कैन गट टू रिज्यूम एंड कॉलेज पर्सनल प्रोफाइल इम्प्रूव नाओ नाव सो वट इज द कैलेंडर जो पूरा कैलेंडर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि संडे को कौन कौन सी क्लासेज हो रही हैं वेनसडे को कौन कौन सी क्लासेज हैं यू कैन नोट इट डाउन थर्सडे की क्लासेज फ्राइडे सैटरडे सो संडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का यहाँ पर पूरा शेड्यूल मैंने आपको दिखा दिया तो आप इसमें देख सकते हो इसके बाद आपको ये सब कितने में मिलेगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब आपको कितने में मिलेगा तो अगर मैं यहां पे सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाता हूं तो ये आपको दिख रहा है ट्वेल्व मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट आ रही है नाइन नाइनटी नाइन बट अगर आप यहां पे मेरा कोड यूज करते हो जो है ए एम सेवन टू वन नाइन तो उसके बाद आप इसको अप्लाई करते हो तो ये आपको एट नाइन पूरे बारह महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ एट नाइन में आपको ये 12 मंथ्स के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी चीप है काफ़ी चीप है ये तो इसको आपको ज़रूर लेना चाहिए ओके सो देन वन ऑफ द शो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो कि हर सैटरडे नाइट को आएगा नाइन पी पे जो एजुकेटर है वो है लव सो हैव यू वंडर्ड अबाउट वट क्वेश्चन आर आस्क इन टॉप प्रोडक्ट कंपनीज इफ द आंसर इज ये देन वी हैव हैवे शो वेयर होस्ट लव विल वॉक यू थ्रू टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस क्वेश्चन आस्क इन कंपनीज लाइक फेसबुक एप्पल नेटफ्लिक्स अमेजन एंड लिंक सो व्हाट इज दैट यू विल नॉट फाइंड ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब गेट अ चांस टू कम लाइव विद लव एंड गेट योर क्यूरीज रिजोल्व हु इज दिस शो फॉर किसके लिए ये शो इफ यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट लुकिंग फॉर अ प्लेसमेंट इन टॉप प्रोडक्ट कंपनीज या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल और आप स्विच करने की सोच रहे हो तो भी आपके लिए ये शो जरूर है तो जरूर देखिएगा इस शो को सो चलिए अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम्स की तरफ और देखते हैं कि कैसे हमें अपने दोनों प्रोग्राम्स को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ पावर ऑफ डिजिट सो बेसिकली अगर देखो क्या है यहां पे आ, जो क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज आपके पास पावर ऑफ डिजिट्स वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से पूछा गया है सो डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं पूछने के जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे वो समझ लीजिए आप मेरे से जैसे कि अगर क्वेश्चन आपके पास ये वन टू थ्री फोर ये नंबर आपको दिया हुआ है और इसमें आपको आउटपुट आना तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं वन रेस टू द पावर टू जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे प्लस टू रेस टू द पावर थ्री जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे प्लस थ्री टू द पावर फोर जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे प्लस फोर रेस टू द पावर जो जीरो वाला है उसको जीरो से हमें यहाँ पे पावर करना है ठीक है सो बेसिकली हमारे पास ये इस तरह से दे रखा है इस तरह से अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उसका क्या करना है हमें उसका सम फाइंड आउट करना है तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसका सम मेरे पास कितना आएगा देखिए वन की पावर टू वन टू की पावर थ्री एट थ्री की पावर फोर एट्टी वन फोर की पावर जीरो वन तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे नाइन्टी वन ठीक है सो दिस बिकम्स नाइन्टी वन ओके सो so, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है ठीक है तो चलिए इसका सीधा हम अब यहाँ पे प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं सो so, यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखा है अब मुझे यहाँ पे क्या करना है एक स्ट्रिंग के अंदर मैं इनपुट ले रहा हूँ यूजर से सो so, स्ट्रिंग और आप इसके अंदर इनपुट यूज़र से नंबर की फॉर्म में भी ले सकते हैं सो स्कैनर क्लास का हम यूज़ कर सकते हैं बट डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे सिर्फ करके दिखा रहा हूँ सो so, उसको हम डायरेक्टली कर लेंगे सो so, मैं सपोज ले रहा हूँ इंट एन इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे वन टू थ्री फोर ठीक है देन हम क्या करेंगे स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर लेंगे सो so, मैंने लिखा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एन मैं इसको स्ट्रिंग्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके कर रहा हूँ आप इसको अपने तरीके से भी यहाँ पे कन्वर्ट करके कर सकते हो ठीक है देन एक हमें यहाँ पे लेना है int नम इज इक्वल्स टू वन हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे a ओमा बी ओके a ओमा बी देन फॉर int आई इज इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ जो कि बेसिकली है नंबर की लेंथ जो नंबर में नंबर ऑफ करेक्टर्स है उन तक हमें चलाना है माइनस वन देन आई प्लस प्लस ओके एंड इसके अंदर देखो क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है ए इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट एक एक करके हम वैल्यूज निकालेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू करेक्टर की एस डॉट कैर एट एट इंडेक्स आई ठीक है एट इंडेक्स आई तो ए की वैल्यू निकालनी मैंने यहाँ पे ऐसी मुझे निकालनी है बी की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या होगी नेक्स्ट करेक्टर की वैल्यू ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू सो बी इज इक्वल्स टू सेम बट आई प्लस वन ओके आई प्लस वन देन सम इज इक्वल्स टू सम प्लस सम सम इज इक्वल्स टू प्लस एंड मैथ क्लास का पावर फंक्शन हमें यहां पे यूज करना है एंड एक कॉमा बी ठीक है एक कॉमा बी इसको बंद कर दीजिए यहां पे देन सिस्टम डॉट out dot print ln sum ठीक है सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है और यहां पे मैंने एक्चुअली सम नाम लिख, लिख दिया ये है सम ठीक है इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करना है बेसिकली चलिए तो एक बार इसको हम यहां पे कंपाइल करके देखते हैं जावा सी टेस्टिंग डॉट देन जावा टेस्टिंग सो so, आप देख सकते हो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है 91 वन अब मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ तो, तो आप बताइए कि आउटपुट क्या आना चाहिए मेरे पास तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर सिंपल वन ट्वेंटी थ्री तक तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा वन की पावर टू प्लस टू की पावर थ्री प्लस थ्री की पावर जीरो डेट बिकम्स वन प्लस एट प्लस वन डेट इज़ टेन सो द आंसर शुड बी टेन तो एक बार इसको अब हम कंपाइल करके रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारा ये प्रोग्राम रन कर रहा है तो अगर इस तरह का आपको प्रोग्राम दे रखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे पावर ऑफ डिजिट्स का तो उसमें आपको आउटपुट बताना है जिस तरह से आएगा और उसका कोड मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ साइक्लिक ऑर्डर सम इन साइक्लिक ऑर्डर ऑफ डिजिट्स सम इन साइक्लिक ऑर्डर ऑफ डिजिट्स जैसे कि अगर सेम मैं लेता हूँ यहाँ पे वन टू थ्री फोर ठीक है अब इसमें सम इन साइकिल ऑर्डर क्या है पहले होगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस अब इसके बाद वन हट गया उसके बाद का टू प्लस थ्री प्लस फोर उसके बाद टू हट गया उसके बाद का थ्री प्लस फोर उसके बाद थ्री हट गया उसके बाद का प्लस फोर तो इस तरह से आपका जो सम है वो आना चाहिए तो ये कितना हो गया वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स टेन ट्वेल्व फिफ्टीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी टू एंड थर्टी सो आंसर शुड बी थर्टी तो अब इसका कोड लिख लेते हैं सेम प्रोग्राम के अंदर और देखते हैं कि किस तरह से इसका जो हमारा आउटपुट है वो आ रहा है सो वी विल राइट दिस एंड अब यहाँ पे मैं सम को कर देता हूँ जीरो से इनिशियलाइज एंड फॉर याद रखना है उसमें को हमने वन से इनिशियलाइज किया यहाँ पे मैं सम सबको करना है जीरो से इनिशियलाइज ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे दो लोग रन करेंगे इन टाइज टू जीरो आई को हमें रन करना है एस डॉट लेंथ तक आई प्लस प्लस देन एक और लूप इसके अंदर आपको रन करना है फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू एक और लूप रन करना है जिसको जे को इनिशियलाइज करना है आपको यहां पे आई से ठीक है देन जे शुड रन अप टू एस डॉट लेंथ जे प्लस प्लस ओके okay, एंड इसके अंदर हमें करना है सम इज इक्वल्स टू सम प्लस इंटीजर डॉट पार्स इंट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एस डॉट कैर एट आई ओके सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू तो देख लीजिए आप पहले मैंने रन किया आई को जीरो से लेके एस डॉट लेंथ तक में मैंने क्या किया j जे को इनिशियलाइज किया है आई से और जे को मैंने रन किया है लेस देन एस डॉट लेंथ तक और उसके बाद हमने इसमें सम को यूज किया है सो यहाँ पे पहले मैं रख लेता हूँ इंट को वन टू थ्री फोर नंबर को और एक बार दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है कंपाइल किया रन किया आंसर आपका आया यहाँ पे ट्वेंटी सो so, यहाँ पे कुछ हमारा गलत है एक बार देखते हैं कि क्या हम हमसे यहाँ पे गलती हुई है हाँ बेसिकली यहाँ पे वैसे ये गलती होगी मैंने एस डॉट कैर एट आई कर दिया इट शुड बी जे क्योंकि हम जे लूप के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जे आएगा बेसिकली सो so, अब आप देखो आपका आउटपुट कितना आया बिल्कुल ठीक आया थर्टी अगर मैं इसको वन टू थ्री करता अगर मैं इसको वन टू थ्री करता तो देखिए क्या आता मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सो वन टू थ्री में क्या होता वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस थ्री तो कितना हो गया ये सिक्स सिक्स प्लस फाइव इलेवन इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन सो इट शुड बी फोर्टीन सो वन टू थ्री के केस में रन करके देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है